तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए हम एक न्यू वीडियो लेके आए। सो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, आपका एसएससी के द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट निकला है बहुत ज्यादा वैकेंसी के साथ है। पर सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो हमारा पीएम साहब है उन्होंने जारी किया था जो रोजगार मेला, उसी के बेस पे हमारा बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट निकला है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा कॉन्स्टेबल जीत के पद पर जो वेरियस डिपार्टमेंट है उसी के बेस पे आपको न्यू रिक्रूटमेंट निकला है। सो आज उसी में आप लोग अपने से बात करो, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है? तो इसी बारे में फुल वीडियो आप मैं इसमें बोल दूंगा। सो आपसे प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको जो भी प्लीज तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अपना शुरू करते हैं। सो पहले आप सब देख सकते हैं, आप लोगों को ऑनलाइन में अप्लाई किया, आपको डेट भी मिल जाएगा, मिलेगा सो आपको 27 आप लोग अक्टूबर से स्टार्ट आपको हो गया है अप्लाई करने का, और 30 नवंबर आपको लास्ट डेट में अप्लाई कर। सो आपके पास काफी डेट टाइम है आप लोगों के पास अप्लाई करने। सो आप लोग ध्यान से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी आप लोगों को रूल्स वगैरह है उसको तो पहले आप लोगों को पढ़िए, उसके बाद ही आप लोग प्लीज अप्लाई करना। सो चलिए यहाँ पर नीचे वगैरह जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है आप उसे देख सकते हैं। उसके सबसे पहले ऐसा वो जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है आप लोग तो देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, आपका जो BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, SSF, आपका जॉशम राइफल, NCBC बॉय, सो ये सब आपका मिनिस्टर होम अफेयर्स के द्वारा, होम अफेयर्स के द्वारा अंतर्गत आपका आता है। सो उसी में से आपका रिक्रूटमेंट चलेगा। सो चलते हैं नीचे जो इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दिया है। सबसे पहले बार दे रहा है वो ऑनलाइन में आपको अप्लाई करना होगा, आपको रिटन टेस्ट वगैरह ले जाएगा जो हिंदी इंग्लिश में आपको ले जाएगा, उसके बाद आपको फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट लिया जाएगा, उसका फिजिकल इंडस्ट्री सबको, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन उसको पास हुए कि नहीं, उसके बाद भी आपको रिव्यू मीटिंग लिया जाएगा सबको, आपको सेंट्रल पैरामेडिक फोर्स के अंदर आपको हॉस्पिटल के द्वारा आपको सब कुछ के ऊपर किया जाएगा, ठीक है? तो चलते उसके नीचे थोड़ा इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दिया है, ये सब देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सैलरी वगैरह आपको कैसे मिलेगा। सो यहाँ पर आप लोगों को पे स्केल 3 मिल जाएगा आप लोगों को सर, ऑल अदर पोस्ट के लिए, मतलब व्यापार जो व्यापार वैकेंसी निकला है आप सब, मतलब BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल्स के द्वारा सब कुछ, और जो व्यापार आप लोग NCB पोस्ट पर जो नार्कोटिक ब्यूरो कंट्रोल है यहाँ पर ही उन लोगों को पे स्केल 1 सैलरी मिलेगा, मतलब वो जो नार्कोटिक ब्यूरो उनको सिपाही रैंक पर उनको मिलेगा, पर उनको एक बार पे स्केल 1 उन लोगों को सैलरी मिलेगा सिर्फ नार्कोटिक ब्यूरो के लिए, और बाकी सबको पे स्केल 3 उनको सैलरी और मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आते हैं वो कितना वैकेंसी उनको देगा है। सो यहाँ पर उन जो बीस पोस्ट के लिए भी देख सकते हैं आप लोगों के पास, सो यहाँ पर बीस पोस्ट के लिए टोटल मिलेगा 8,922, CISF के लिए 94, CRPF के लिए 8,384, SSB के लिए 1,041 पोस्ट मिलेगा, ITBP के लिए 1,371 पोस्ट, असम राइफल के लिए 1,600 समथिंग लोगों वैकेंसी मिले, तो SSF भी उनको भी 70 पोस्ट मिल जाएगा। सो टोटल मिलाकर 21,579 पोस्ट में मिल जाएगा सबके यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के। जो फीमेल है उनको भी यहाँ पर, उनको भी यहाँ पर जो सीट वगैरह है उनको भी अलग से उनको मिल जाएगा। सो प्लीज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद आप लोगों को मैं आऊंगा, ठीक है? सो यहाँ पर भी आप लोग देख ही सकते हैं, आपका जो NCV पे आता है सो यहाँ पर भी उन लोगों को लिए 164 को पोस्ट मिल जाएगा। टोटल मिलाकर मेल फीमेल और NCV के लिए आप लोगों को यहाँ पर 24,316 पद पर उनके ऊपर है रिक्रूटमेंट आपके ऊपर निकला है। और दूसरी बात, जो वैकेंसी वो 10 टेप जारी किया है, बाद में वो इंक्रीज आपको हो सकता है, सो उसी के बारे में आप लोग मत सोचिए, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है? तो इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दिया है आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोग एज लिमिट 18 से 23 साल से बीच में यहाँ पर आप लोग एज लिमिट क्राइटेरिया आप लोग होना पड़ेगा। दूसरी बात, SC ST वालों को आप 5 साल का आवर में छूट मिल जाएगा, OBC को भी 3 साल का, XC 3 साल का छूट मिल जाएगा, बाकी सब कुछ मिल जाएगा आप लोग जैसे देख सकते हैं प्लीज, ठीक है? इंस्ट्रक्शन वगैरह जो एक सर्विसमैन मीन्स मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनी रैंक, ठीक है?
कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दिया है, आप लोग ऐसे देख सकते हैं आपका सर्टिफिकेट फॉर्म कैसे क्या होना होगा, एस एस टू बी के कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है। क्वालिफिकेशन बारे में थोड़ा इंस्ट्रक्शन, और क्वालिफिकेशन आपको सिर्फ 10th क्लास पास आउट होना होगा, और कुछ पेपर आपको नहीं दिया है। तो आपको 10th पास आउट होंगे और सबके अलावा एलिजिबल होंगे ऐसा अप्लाई करना हो, तो अलग से आप लोगों का मार्क्स मिल जाएगा आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स द्वारा, मतलब जब 8C सर्टिफिकेट होगा तो आप लोग APC करके आप लोगों को एक बार छूट आपको एक बार मिल जाएगा। तो कैसे आपको अप्लाई करना होगा, तो पहले आपको जो आपको रजिस्टर करना होगा, और पहले से कोई रजिस्ट्रेशन है तो आपको कोई बात नहीं, डायरेक्ट लॉग इन करना, तो पूरा पेज आपको पर दिखा दे कैसे आपको अप्लाई करना होगा। सिंपल अप्लाई करेंगे आपको हो जाएगा, उसके नीचे पेपर दे दिया है, तो भी आपको एप्लीकेशन फीस सिर्फ आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। और जो एक बार SC ST है और SC सर्विसमैन है तो उनके लिए पर फ्री है, और जो मैंने उनके लिए फ्री है, सॉरी तो आप लोगों को पैसा नहीं लगेगा, बट जब जो OBC है, ठीक है, और जो जिन्हें उनको एक बार पैसा देना पड़ेगा, पैसा आप लोग ऑनलाइन में पेमेंट कर सकते हो, पैसा नहीं देंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, सो ऑटोमेटिकली से आप लोग जानते होंगे। और ये आपका जब जो एग्जाम सेंटर से उसी बेसिस में आपका रिजन हो गए, सो आपका रिजन बेसिस पे आपको ऊपर एग्जाम वगैरह आपको ऊपर लिया जाएगा, पूरा एड्रेस वगैरह दिया है किस रीजन से डेट पड़ता है, सो आप लोग देख चेक कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट आपको जो लिया जाएगा कंप्यूटर एग्जामिशन का, सो जो रीजनिंग लिया जाएगा आपको ऊपर कंप्यूटर होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश हिंदी होगा, सो 60 मिनट आपको टाइम आपको दिया जाएगा, 0.50 मार्क्स का ऊपर नेगेटिव मार्केटिंग रहेगा, ये भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो मैट्रिकुलेशन लेवल का वो एग्जाम वगैरह आपको एक बार लिया जाएगा, और सिलेबस के बारे में एक बार दे दिया है, आप लोग भी ऐसा देख सकते हैं, ठीक है, सबसे अच्छी बात है आपके लिए। दूसरा है आपका एक बार डिस्क्रिप्ट पेपर में आपको हो सकता है थोड़ा बहुत, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, कॉम्पिटिशन को जानना पड़ेगा। जो फिजिकल एफिशिएंसी में टेस्ट को लिया जाएगा, पूरा प्रोसेस मैंने पहले भी बोला था, ये भी आप लोग से देख सकते हैं, ठीक है। नीचे भी आप दे दीजिए, जो उसके बाद आता है जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, सेविंग देना पड़ेगा, तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट, फीमेल 1/6 किलोमीटर 8 1/2 मिनट 5 मिनट, सो रेस को मिल जाएगा जो 1/6 किलोमीटर भागना पड़ेगा वो मेल के लिए, और भी उनको लिए 1/2 मिनट भरना पड़ेगा, ठीक है, 800 करना था लादाख रीजन के लिए, सो आप लोगों को देखना पड़ेगा प्लीज। सो जी इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दिया, सो देख सकते हैं आपको मेल हाइट 1/7 सेंटीमीटर, फीमेल 1/8 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, उनके रिलैक्सेबल भी कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट वगैरह वेट कितना को होना होगा नहीं होगा, और सर्टिफिकेट मैंने पूरा प्रोसेस पर दे दिया है, आप लोग ये सब देख सकते हैं जाके, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट को देना पड़ेगा, तो छूट मिल जाएगा, सो ऑर्डर प्रॉपरली यहाँ पर दिया है NCP के मतलब पे, वो भी आप लोग देख सकते हैं। चलते नहीं है, छोटा बहुत इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर आप लोगों को देना पड़ेगा, तो CPD तो बहुत ही बड़ा है, सो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, जो मेन इंस्ट्रक्शन है सो वही आप लोगों प्लीज देखना, बाकी जो है आप लोग अब नहीं देंगे तो भी आप लोग चला जाएगा, बहुत यहाँ पर अटपटा सी इंस्ट्रक्शन होता है जो आपके लिए बार मेन नहीं होता है, सो उसको प्लीज आप लोग अवॉइड कर देना, पूरा प्रोसेस कैसे आप लोगों को अप्लाई करना होगा, कैसे नहीं करना होगा, PDF वगैरह में आप लोग ऐसा चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जरूरी है तो आप देख सकते, नहीं जरूरी है आप लोगों को तो आप लोग प्लीज मत देखिए, फोटो वगैरह कास्ट सर्टिफिकेट पूरा फॉर्मेट एक बार दिया आप लोग सब देख सकते हैं, ठीक है। सो आपका PDF और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसे देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो आप लोग तो वीडियो कमेंट से जरूर बताना, हाँ मिल पे कर, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को प्लीज तो सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को जॉब रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उस चैनल का लिंक आप लोगों को सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं अब चलता हूँ, एंड सभी के लिए वेबसाइट ब्लॉग सब लोग जरूर ध्यान से फॉलो कर देना, और बड़ी मेहनत से आप लोग प्लीज अप्लाई कर देना, चलिए।